क्या आप भी कहीं नौकरी ना करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको ऑप्टिकल के बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे कि अगर आप यह बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक बिजनेसमैन ऑप्टिकल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यह बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी आपको बताएंगे कि बिजनेस शुरू करते वक्त आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और फ्यूचर इसका क्या प्रॉफिट होगा, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे जिससे आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम साद है। आप क्या काम करते हो? हमारी न्यू इमेज करके शॉप है, हमारा ऑप्टिशियन वर्क है। ओके, आप इस फील्ड में कब से हो? 5 से 6 साल हो चुके हैं। 5 से 6 साल हो गए। आपसे एक सवाल था कि अगर कोई ऑप्टिकल का बिजनेस शुरू करना चाहता है कोई युवा, तो कोई कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उसे इसके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी बाद में ले, पहले तो इसका कोर्स करे ऑप्टोमेट्रिस्ट का। अच्छा। अगर रिटेल का अगर आपको करना है, सेटअप करना है, तो रिटेल के लिए सबसे पहले आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट का कोर्स करना है जिससे प्रॉब्लम ना आए, इसके बाद ही हम ये शुरू कर सकते हैं। जी जी। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरू में हमें कितना इन्वेस्ट करना है? 5 से 6 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ऑप्टिकल की शॉप खोलने में। जी मैम। और अगर बात करूँ कि और उन्हें किन चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आई टेस्टिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए आपका। अगर आप रिटेल का काम कर रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा आपकी आई टेस्टिंग से। ओके। जब तक विजन ही साफ नजर नहीं आएगा तो कैसे रहेगा। और अगर बात करूँ प्रॉफिट की भैया, तो फ्यूचर में मतलब से कितनी प्रॉफिट हो सकती है? देखिए, प्रॉफिट का तो ये है कि अगर आपने 5 से 6 लाख रुपए लगाए हैं, उस पर ज्यादातर ये रहता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बनता है, इससे ज्यादा नहीं बन पाता। हर मंथ 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट बनता होगा। सेल के ऊपर डिपेंड करता है ये तो, मतलब लेकिन हो जाता होगा अगर अच्छे से कोई काम करेगा। हाँ, देखिए, अगर मार्केट अच्छी चल रही है, काम अच्छा चल रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं इतने के लगभग प्रॉफिट। जी जी, आराम से। अगर और बात करूँ कि अगर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस भी होती है, इसके बाद भी करनी होती है ना, कि किसी बिजनेस में काफी चीज का ध्यान रखना चाहिए। बस वही बता रहा हूँ मैं आपको कि आई टेस्टिंग जो है सबसे ज्यादा मेन रहती है हमारे काम में, हमारे बिजनेस में आई टेस्टिंग का सबसे अच्छा रोल यही रहता है कि हमें पावर बिल्कुल सही लगानी है, लेंस अच्छी क्वालिटी का लगाना है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो कस्टमर दोबारा से आएगा, रिपीट रहेगा। अगर फ्रेम रिम खरीदना तो कोई कहाँ से खरीद सकता है? फ्रेम भी मिलेगा आपको हमारे पास। अच्छा, होलसेल? जी जी, हमारा तो होलसेल का ही बिजनेस है, होलसेल में ही हम रिटेल भी करते हैं, दोनों है। जी, कितने मिल जाएगा फ्रेम स्टार्टिंग की बात करो तो? कोई स्टार्टिंग तो 100 रुपीज से, 100 रुपीज से स्टार्टिंग, और उससे भी कम, मतलब 100 से कम भी मिल सकता है, लेकिन बस ये की वो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपको माल कितना चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो सवाल था, अगर सबसे से क्या होता है, बिजनेस अच्छा होता है कि वर्क अच्छा होता है, अगर कोई करना चाहे तो? देखिए, बिजनेस ही अच्छा रहता है, लेकिन उससे पहले आपको मतलब कहीं जॉब करनी चाहिए जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है।